हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स अकेडमी। एंड यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री का जो क्लास 11 का रिड्यूस सिलेबस है उसे देखने वाले हैं। आ जाइए चैप्टर फर्स्ट पर, दैट इज़ द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पेज नंबर 1 पर। यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है चैप्टर फर्स्ट, इसमें आपको 1.1 इंट्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, 1.2.1 मैटर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, उसके बाद में 1.2.2 जो है प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर्स, ये जो है इसे रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद में फिर आप स्क्रॉल करके और जब आगे आएंगे तो वहाँ पर 1.2.3 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, उससे रिड्यूस कर दिया गया है। एंड देन और आगे पर यहाँ पर 1.4.1 जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑन पेज नंबर 4, इसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर और आप जब नीचे आएंगे तो 1.4.2 जो है पेज नंबर 5 पर, 1.4.2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये जो है इसे रिड्यूस किया गया है। उसके बाद में 1.4.3 इसी पेज पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। एंड देन यहाँ पर जो पेज नंबर नेक्स्ट पेज है वहाँ पर 1.5 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है, वो भी नहीं आएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर चैप्टर सेकंड जो है उस पर। यहाँ पर चैप्टर सेकंड जो है वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो इसमें 2.1 दैट इज़ द इंट्रोडक्शन दैट इज़ रिड्यूस्ड, वो नहीं आएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर पेज नंबर सेकंड पर आप जब सॉरी जो इस चैप्टर का सेकंड पेज है उस पर आएंगे, 2.3 मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस, वो नहीं आएगा। देन 2.3.2 जो है साइंटिफिक नोटिफिकेशंस, वो नहीं आएगा, सॉरी नोटेशंस, वो नहीं आएगा। सो पेज नंबर 14 जो है उसका है। उसके बाद में आ जाइए पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर 2.3.4 जो है रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये नहीं आएगा। एंड देन सेम पेज पर ही 2.3.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो भी नहीं आएगा। देन पेज नंबर 17 पर यहाँ पर 2.3.5 जो है कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये नहीं आएगा। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज जो है उस पर आ जाइए, 18th 19th। ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, इतना ही रिड्यूस किया गया। इसके बाद आ जाइए जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर। सो दैट इज़ द थर्ड चैप्टर विच इज़ द बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स। सो इसमें जो है थर्ड 3.1 जो है इंट्रोडक्शन दैट इज़ रिड्यूस्ड, वो नहीं आएगा। 3.1 के बाद में फिर आपको और आगे आना है, पेज 28 पर, फिर 29 पर, एंड देन 31 पर आप देखेंगे 3.5 जो है टॉपिक, वो क्या है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, वो नहीं आएगा। फिर 31 पेज नंबर के बाद में यहाँ पर आपको आना है और आगे 32 33। फिर इस चैप्टर में भी सिर्फ इतना ही है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर जो है उस पर। तो यहाँ पर फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है वो आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में 4.1 जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो रिड्यूस किया गया, वो नहीं आएगा पेज नंबर 35 पर। उसके बाद में फिर आपको 36 पर आना है, उसके बाद फिर 37 जो है वहाँ पर आना है, फिर 38 पेज पर आप देखेंगे 4.5.1 वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको और नीचे आना है, पेज नंबर 39 पर आना है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम 4.4 जो है ये वाली नहीं आएगी। एंड देन पेज नंबर 40 पर जब आप आएंगे तो प्रॉब्लम 4.5 जो है ये वाली, इसे रिड्यूस किया गया, स्किप किया गया है, ये नहीं आएगा। देन पेज नंबर 41 एंड दैट्स इट, इतना ही है इसमें इस चैप्टर में। इसके बाद में फिर आपको आ जाना है नेक्स्ट चैप्टर जो है उस पर। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग जो है वो चैप्टर, तो इसमें इंट्रोडक्शन जो है 5.1 इंट्रोडक्शन, ये जो है नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर 5th का है। उसके बाद में 5.2 जो है कौसल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ये नहीं आएगा। एंड देन 5.2.1 जो है आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। देन यहाँ पर 5.1.2 जो है आयनिक सॉलिड्स एंड लैटिस लैटिस एंथैल्पी, ये नहीं आएगी, पेज नंबर 56 पर था वो। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो 5.2.2 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नहीं आएगा, जो कि पेज नंबर 57 पर है। एंड फिर यहाँ पर आपको और आगे जब आना है, पेज नंबर 59 पर आप आइए, 5.4.1 फॉर्मल चार्ज जो है वो नहीं आएगा। एंड देन यहाँ पर पेज नंबर 60 के बाद में 61 जो है दैट इज़ द 5.5 का जो टॉपिक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेल रिपल्शन थ्योरी VSEPR, ये जो है ये नहीं आएगी, इसे रिड्यूस किया गया है, 61 पेज नंबर पर था है वो। उसके बाद में फिर आपको
फिर यहाँ पर पेज नंबर 72 जो है उस पर आ जाइए। 5.5.6 का ये जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिर्फ ये आएगा, इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे नहीं आएंगे, ओनली हाइड्रोजन जो H2 मॉलिक्यूल है वो आएगा। एंड देन यहाँ पर फिर ये जो पेज नंबर 74 है तो इस पर 5.6.2 जो है बॉन्ड एंथैल्पी ये कैंसल्ड है, ये नहीं आएगा। एंड देन नेक्स्ट पेज पर पेज 75 बॉन्ड लेंथ जो है 5.6.3 ये नहीं है। 5.6.4 बॉन्ड ऑर्डर ये भी नहीं है। फिर 5.6.5 जो है पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये भी नहीं है। एंड देन इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है रिड्यूस चीज़ें, बाकी आपको थोड़ा आगे देखनी है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसे हटा दिया जा रहा है, जो थेरीज है उठे रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पर 6 जो है चैप्टर वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है 6.1 इंट्रोडक्शन, दैट इज स्किप, उसे स्किप करना है स्टूडेंट्स को, वो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन 6.1.1 जो है क्लासिकल आइडियाज़ ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वो भी नहीं आएगा। एंड देन फर्दर ऑन आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखना है पेज नंबर 86 पर, दैट इज़ द 6.3.2 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है हाफ रिएक्शन मेथड, वो नहीं है इंक्लूडेड है, उसे रिड्यूस किया गया है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, अब इसके बाद आ जाइए यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर, दैट इज़ द 7th वन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसका 7.1 इंट्रोडक्शन वो स्किप कर दिया गया है, वो नहीं आएगा पेज 93 पर। एंड देन फर्दर ऑन आपको मूव करके आना है तो यहाँ पर 96 पेज नंबर 97 एंड देन 98 देन 99 एंड 100। यहाँ पर पेज 105 पर आप आ जाइए, 105 पर। तो यहाँ पर 7.5.3 जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिर्फ ये रिलेटेड है, बाकी सारी जितने भी चीज़ेस हैं वो आएंगे। एंड यहाँ पर ये वाला जो है पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी, एंड बी वाला जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मेटेलिक नॉन मेटल्स कैरेक्टर ये है, बट यहाँ पर जो थर्ड वाला है सी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ये वाला रिड्यूस है, ये नहीं आएगा। ये दो जो है ए एंड बी ये आएंगे, और ये जो सी थर्ड वाला है ये कट है, ये नहीं आएगा। फिर ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, अब इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है 8 एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। तो यहाँ पर 8.1 जो है हाइड्रोजन ये नहीं आएगा, रिड्यूस है। 8.1 के बाद में आपको और आगे यहाँ पर आना है। सो यहाँ पर पेज नंबर जो है 118 पर आ जाइए। 8.2.7 जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, ये नहीं आएगा। तो इसमें ग्रुप वन सेकंड ये सारी चीज़ें जो है 118 पर पेज पर वो नहीं आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर 8.3.1 जो है सोडियम कार्बोनेट ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो 8.3.4 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये नहीं है। 8.3.3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये नहीं है, CaCO3। एंड देन ये चैप्टर जो है वो ओवर है, इसके बाद में फिर आपको आ जाना नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो यहाँ पर 9.1 जो है उसका इंट्रोडक्शन वो नहीं आएगा, उसे स्किप किया गया है। उसके बाद में पेज नंबर 127 जो है जो कि 9.6.1 है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो उसमें ए जो है डायमंड, मतलब ए वाला ये वाला जो है 9.6.1 जो है ये टोटली रिड्यूस है, इसमें सिर्फ कार्बन के अलावा बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं वो भी रिड्यूस है, वो सारी चीज़ें नहीं आएंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर 131 पर 9.8 जो केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 ये जो है नहीं आएगा। 9.8.1 जो है ये भी नहीं आएगा। एंड देन ये चैप्टर जो है आपका इसमें ये ओवर होता है, इसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड स्टेट। तो इसमें 10.1 जो है इंट्रोडक्शन वो स्किप कर दिया गया है, वो नहीं आएगा। देन फर्दर ऑन आपको मूव करके आना है और आगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक ये है कि जो रिड्यूस हुआ है वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो रिड्यूस कर दिए जा रहे हैं, उसे इंक्लूड नहीं किया गया है इस बार। यहाँ पर पेज नंबर 153 पर आप आ जाइए, 10.8.3 लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट ये वाला जो है 10.8.3 ये नहीं आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे 10.9 लिक्विड स्टेट ये जो है ये नहीं आएगा, स्किप है।
इसके बाद में ये चैप्टर जो है वो ओवर है, उसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो दैट इज़ द एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। तो उसमें 11.1 जो है इंट्रोडक्शन सबसे पहले वो है, उसे स्किप कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद में फिर आपको और यहाँ पर आगे आना है। तो 11.5 जो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये जो है ये स्किप की कर दिया गया है, दैट इज़ ऑन द 163 पेज नंबर उस पर है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर ही 11.7.1 होमोजीनियस कैटालिसिस, ये भी नहीं आएगा। देन सेम पेज पर ही 11.7.2 हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये भी नहीं है। एंड देन नेक्स्ट पेज पर 11.8 एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये भी नहीं है। देन यहाँ पर 168 पेज पर आप आ जाइए, 168 पर यहाँ पर 11.9.3 जो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये सारी नहीं आएंगे। एंड देन यहाँ पर ये जो है ये वाला मार्क किया है मैंने, ये सी पेप्टाइजेशन, ये आएगा 168 पर। उसके बाद में यहाँ पर 11.9.4 जो है प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, ये नहीं आएगा। एंड 11.9.5 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्शंस, ये भी नहीं आएगा। ये दोनों ही टॉपिक 169 पेज पर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ही जो है ये टॉपिक, इसमें क्या है, इसमें सी ये वाला जो कलर है इसे रिड्यूस किया गया है। एंड सी के बाद में यहाँ पर जो एफ वाला है कोगुलेशन, ये दो टॉपिक से रिड्यूस किए गए हैं। एंड इसके जो बाकी वाले हैं वो इंक्लूडेड है, वो आएंगे। ओके, सो सी एंड एफ जो है यही दो टॉपिक्स नहीं आएंगे। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर ही यहाँ पर 11.9.6 जो है मेथड्स टू इफेक्ट कोगुलेशन, ये जो है 171 पेज पर, ये भी नहीं आएगा, ये भी स्किप्ड है। इसके बाद में चैप्टर जो है वो ओवर हो गया। उसके बाद आप आ जाइए केमिकल इक्विलिब्रियम पर, 12th चैप्टर पर। यहाँ पर 12th चैप्टर जो है इसमें आपको पेज नंबर 182 पर आ जाना है। 12.7 एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो ये सारी चीज़ें जो है 12.7 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो रिड्यूस्ड है। उसके बाद में ये चैप्टर जो है ओवर हो गया। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी जो है उस पर आ जाइए। सो पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी में आपको जो 13.2 है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स, वो नहीं आएगा, उसे स्किप कर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर ही 192 पर यहाँ पर 13.3.4 जो है न्यूक्लियर पोटेंशियल, वो नहीं है। देन 13.3.5 जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। एंड देन ये चैप्टर जो है वो ओवर हो गया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज़ द 14 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है 14.1 इंट्रोडक्शन, वो रिड्यूस कर दिया गया है, वो नहीं आएगा। देन इसी चैप्टर में आ जाइए पेज नंबर 220 पर, तो यहाँ पर 14.6 जो है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये नहीं आएगा, पेज नंबर 220। एंड उसी पर यहाँ पर ये जो है 220 पर, तो वो टॉपिक जो है वो नहीं आएगा। देन इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ द 15th वन हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ पर ये वाला जो है 15.1.3 पेज नंबर 235 पर, सो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स जो है ये नहीं आएगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं आएंगी। एंड देन पेज नंबर 251 पर आ जाइए, तो वहाँ पर 15.4.2 जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, जितने भी स्ट्रक्चर है बेंजीन के वो नहीं आएंगे। एंड देन ये चैप्टर जो है इसमें सिर्फ इतना ही। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये वाला सबसे पहले, ये जो है इसे रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो है फूड क्वालिटी केमिस्ट्री, ये सब है, वो पार्ट जो था सिर्फ वो उतना रिड्यूस किया गया है। एंड देन यहाँ पर इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रिड्यूस की गई हैं इस चैप्टर में, काफ़ी चीज़ें जितनी भी है ओवरऑल है, बस दो से तीन टॉपिक रिड्यूस कर गए। यहाँ पर ये वाला आप देखेंगे 6.2.3 जो है ट्रेडिशनल नॉलेज इन मेडिसिन, इसे रिड्यूस किया गया, ये नहीं आएगा, पेज नंबर 267 पर है। एंड ये लास्ट वाला है टेबल 16.2 जो है सेम पेज पर, ये जो टेबल है ये नहीं आएगा 267 पर। एंड देन फाइनली इस चैप्टर जो है ये चैप्टर ओवर है, इसमें मतलब केमिस्ट्री का जो ये लास्ट चैप्टर था, तो इसमें सिर्फ इतना ही है। इसके बाद में ये जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूडेड है, सो स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें स्टडी करनी है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू।